मैकेनिकल पेंसिल लो और फिर हल्के से, ये जो हिस्सा आ रहा है हल्का सा, बहुत हल्के तरीके से, खुद की रेफरेंस के लिए, जरूरी नहीं होता ड्रॉ करने, इस तरीके से कर्व लगा लो कि लाइक भाई ये जो एरिया है यहाँ पे हाइलाइट्स हैं, तो यहाँ से ऐसे कर्व करना स्टार्ट किए, उस हाइलाइट वाले पोर्शन के ऊपर छोड़े, थोड़ा सा ऐसे कर्व कर लो स्केच, टेढ़ा रखो, ठीक है, यहाँ पे आके रुक रहे हैं। अब एकाध एकाध जो स्ट्रोक है वो पूरा नीचे जा सकता है, लेकिन मेजोरिटी जो स्ट्रोक्स रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे। एकाध नीचे चला गया फिर से, ओके, इस तरीके से नीचे आया, ये तो हिस्सा है। अब ये हिस्से को छोड़ना है, अभी एकदम पर्टिकुलरली पूरे ही नहीं छोड़ना होता है, बीच बीच में फिल करना होता है, लेकिन क्या करो उसके नीचे से स्टार्ट करो, ऐसे कर्व लगाना ऐसे। अब एकदम नीचे पूरे आईज तक मत ले आना, वो भी इस तरीके से कर्व आएंगे, तो यहाँ पे रुक रहे हैं। ओके, अब ये वाला जो बीच में एरिया है ये ऐसे खाली नहीं छोड़ना, तो हल्के 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 पतले पतले स्ट्रोक्स, थोड़े थोड़े से, पूरा भरना नहीं, हल्के से यहाँ पे लगा दिया अपन ने, तो यहाँ एक डिफरेंस दिख रहा है अपन को। इसको और बेटर तरीका होता है करने का, नीचे से उठा लो स्ट्रोक्स, जैसे ये है यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स उठाओ, वो डिपेंड करता है, लेकिन हम गलती क्या हो जाती है यहाँ पे, एकदम मोटे से स्टार्ट करते हैं, जोर से रखते हैं पेंसिल फिर उठाते हैं, तो अपन को नीचे शार्प चाहिए हेयर्स, ठीक है, तो वो गलती हो जाती है। उसको अवॉइड करने के लिए पेंसिल को ऐसे रोटेट करते रहो, जो पॉइंटेड एज है उससे ऊपर ऊपर की तरफ कर्व निकालो, ठीक है, इस तरीके से किया अपन ने। अब हल्के हल्के थोड़े नीचे की तरफ एक आध दो हेयर्स ऐसे स्ट्रोक्स में लगाते रहो, ताकि नीचे की तरफ पॉइंटेड हेयर्स टाइप आए। अब फिर से सेम चीज ऊपर वाले हेयर्स के लिए रिपीट करना है, यहां से आना स्टार्ट हो रहे हैं वो, इस तरीके से कर्व करो, हाथ के नीचे कुछ पेपर रख लेना ताकि ये ऐसे फैले ना, ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे। अब यहाँ पे भरना नहीं है अपन को ये, तो यहां तक लाके छोड़ दो, एक आध दो हेयर्स जो है, एक आध जो हेयर्स है वो इस तरीके से नीचे लाओ, पूरा नहीं भरना, जैसे इसमें अपन ने पूरा नहीं भरा था, ओके। अब ये जगह बचती है, तो हल्के हल्के से स्ट्रोक, बहुत लाइटली लाइटली ऐसे ये लगाए, इससे हल्के हल्के होने चाहिए, हल्के हल्के स्ट्रोक्स वो बीच वाले एरिया में लगा लो, बाकी जगह ये डार्क स्ट्रोक्स रहेंगे। तो इस तरीके से जो अपन के पास लेयर आ रही ना, ये हाईलाइट वाली है अपनी, जो 2 से 3 लेयर करेंगे अपन 10 भी तक, ये ज्यादा अच्छे से शाइन मारने लगेगी, तो ये एक बेसिक तरीका है हेयर्स फिल करने का। तो पहले इतना करके देखो, हाथ के नीचे कुछ जैसे क्लोथ्स या फिर पेपर रख लेना, उसे घिसना नहीं है, ठीक है, इस तरीके से रख रहे अपन। अब देखो ये वाला हिस्सा आ रहा है, जैसे यहां से ऐसे कर्व करते हुए, तो ये ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से हेयर्स देखो ऐसे थोड़े कुछ बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो वो बेटर रहता है नीचे से, यहाँ सेंटर से स्ट्रोक लगा नीचे की तरफ, कि कुछ स्ट्रोक्स तुम्हारे यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ स्ट्रोक्स तुम्हारे उससे ऊपर खत्म होंगे, कुछ स्ट्रोक्स तुम्हारे उससे नीचे जाएंगे, ठीक है, एक लाइन सी नहीं आनी चाहिए कि ऐसे लाइन आई और नीचे डायगनल आया, वो नहीं आना चाहिए। यहाँ पे भी वही सेम चीज प्रेफर करो, कि एकदम स्ट्रोक्स जो है एकदम पॉइंटेड तरीके से लगा रहे हो, और अभी हल्के से लगा लो, कोई परेशानी नहीं है, डेप्थ जो है वो अपन 6B और 10B वाली लेयर इसलिए यूज करते हैं, नीचे नीचे का पोर्शन हुआ अपना, ओके, फिर ऐसे कर्व करते हुए, यहां से कर रहे हैं, बीच में ये जो स्पेस छोड़ी है सेम चीज वही करो, यहाँ से स्ट्रोक्स ऊपर ऊपर करो हल्के हल्के, कुछ एक आध पूरे ऊपर डार्क और बाकी सब हल्के हल्के, क्योंकि मेनली ये वाला पोर्शन जो छोड़ रहे हैं अपन, ये अपनी हाइलाइट्स हैं,
सेम चीज यहाँ पे होगी। अब जो चेहरे की आउटलाइन है वहां पे आ गए, तो हल्की सी ऊपर बनाई आउटलाइन। ये ईयर्स वाला पोर्शन है तो ये भी ढकी रहे अपन। तो ये जो है इसे भी कर्व करो, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कोई हाईलाइट नहीं छोड़ना है, इसमें डायरेक्टली बस इसे कर्व करना है। ओके, यहाँ पे हल्के से हाईलाइट ऐसे छूट रहे हैं वी शेप में इस तरीके से, तो वो बना सकते हो। ठीक है, वो कैसे करना है, यहां से कर्व लेते हुए आए, फिर यहाँ जो नीचे से देखो अलग है, यहां से वो जा रहे हैं हेयर स्ट्रिंग्स, तो इस तरीके से जाने दो। ओके, ये आ रहा है। अब इन्हें ऊपर की तरफ कर्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, ये वी शेप इस तरीके से छोड़ा है, और उसे हल्के हल्के स्ट्रोक से लो। ये अपने बीच में जो हाईलाइट छूटनी थी वो हो गई, जो हेयर्स बनाने थे वो भी हो गए, बस था ये वाला पोर्शन। तो ये वाले पोर्शंस में जरा आराम से करना, अलग तरीके से होता है, यहाँ पे डायरेक्शन बदल जाती है, और तुम्हें पूरे के पूरे ऐसे फिल करना है। ओके, तो स्टार्ट करो ऐसे कर्व से, ऐसे डायरेक्ट यहाँ से नहीं करो, थोड़ा ऐसे कर्व करने की कोशिश करो, ऐसे कर्व करते करते ले जाओ। ठीक है, ऐसे तरह उठा के हल्का सा, ताकि वो इफेक्ट क्या है कि पीछे की तरफ जाके ये, जैसे यहाँ से सेंटर से कोने की तरफ जाते हुए ये पीछे की तरफ कर्व्ड हो। सेम चीज यहाँ पे करो, अपने स्केच को ऐसे घुमा लो। ओके, इधर पे भी कर्व करना स्टार्ट करो, तो ऐसे उठा के कर्व करो पीछे की तरफ। ये अपना लेफ्ट साइड वाला आता है। अब बचते हैं इसमें जो नीचे की तरफ ये आ रहा है हेयर स्ट्रैंड्स। अब गलती क्या करते हैं अपन, अपन एक एक बाल बनाने के चक्कर में निकल जाते हैं, जबकि नहीं, जो मोटा मोटा एरिया है जैसे ये आ रहा है यहाँ पे। ओके, ये वाला पोर्शन आ रहा है, यहाँ पे भी बीच में से हाईलाइट सी है, तो अपन क्या करेंगे वही सेम चीज, यहां से स्ट्रोक्स लगाने चालू करें इसी शेप में। ओके, ये नोज वाले एरिया में ऐसे हाईलाइट से है, तो यहां से ऐसे कर्व करना स्टार्ट किया। और सेम चीज ये नीचे ऊपर की तरफ स्टार्ट कर दिया। ये वाले पोर्शन में हल्के से बाल छोड़, मतलब एरिया छोड़ना, फिर ताकि अपन हल्के हल्के स्ट्रोक्स लगा सके। ओके, तो यहां से भी देखो हल्के हल्के स्ट्रोक्स जो आ रहे हैं वो हल्के से ऐसे बना लो, देखो बहुत डार्क ऐसे भर भर के नहीं बनाना, थोड़े से रैंडमली। ओके, इतने में अपना ये लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो हो जाता है, तो पहले इतना कर लो। तो यहाँ पे ऐसे कर्व है, ये सब सेंटर से ऐसे इमर्ज हो रहे थे। ठीक है, ये भी सेंटर से ऐसे इमर्ज होगा। अब चीज ये है कि ये इधर पे जाएगा, एक तो मेजर पार्ट जो अपन ने बनाया था जो आईब्रो को ढक रहा है अपने, और फिर एक यहाँ पे भी है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा भर भर के अभी नहीं बनाना, यहाँ पे चार पांच बना दो, फिर अपन 6B से बनाएंगे, फिर मेजरली 10B से बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हुआ। फिर जो सेंटर वाला पोर्शन है, सेंटर वाले पोर्शन में क्या करना है, जो लेफ्ट वाले पोर्शन है ऐसे कर्व करते करते लेफ्ट साइड जाएंगे। ओके, और फिर सेंटर से इस तरीके से कर्व करते करते ये राइट साइड जाएंगे, तो ये है अपने यहाँ। वैसे ही बहुत भरने की जरूरत नहीं है, पूरा एकदम क्रिस क्रॉस कर रहे, नहीं हल्का सा काफी है, क्योंकि इसमें भी और लेयर्स होंगी।
मेजर काम आता है ये वाला पोर्शन, ऐसे पूरा अपना जा रहा है। ओके तो इसके लिए क्या करूं, कर्व करना है। अब अपन को पता है एरिया, अगर राइट हैंड नहीं है अपन तो इस साइड के कर्व लगाने से बेटर उसे घुमा लो स्केच को। हाथ के नीचे कोई क्लोथ रख लेना या फिर पेपर, अब इसे कर्व लगाना स्टार्ट करो। यहाँ से धीरे धीरे पहले कर्व निकाल लो ऐसे। ओके अब इन्हीं का कंटिन्यूएशन बढ़ाओ ऐसे, सेम तरीके से। यहाँ पे छोड़ना है अपन को, तो पहले तो ये कर्व जो आ रहे हैं इन्हें आने दो ऐसे, ठीक है। कुछ ज्यादा नीचे जाएंगे, कुछ ऊपर तक ही रहेंगे, ठीक है। स्मूथ कंटिन्यूएशन में जा रहे हैं और ये आगे ऐसे मिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक पोर्शन बना, सेम तरीके से ये बाकी वाले पोर्शन भी करने हैं अपन को। तो ये आता जाएगा ताकि एक बार में अपन पूरा ऊपर का पोर्शन कर दें। ओके यहां से ये जो आ रहा है, ये ऐसे कर्व करते करते ये ज्वाइन कर दिया ऐसे, बाकी नीचे की तरफ लाते गए। ठीक है तो ये ऊपर वाला पोर्शन किया अपन ने, जो अपने हाईलाइट है उसके ऊपर वाला पोर्शन। अब जो नीचे वाला है, मैंने क्या बोला, या तो नीचे से ऊपर की तरफ स्ट्रोक ले जाओ या ऊपर से नीचे की तरफ ले आओ। अगर ऊपर से नीचे की तरफ ला रहे हो तो बेटर रहता है, बस एक चीज जाना, ये जो ऊपर का पोर्शन रहता है ना, ये बहुत डार्क और मोटा नहीं हो जाना चाहिए, तो वो गंदा लगता है, वो अपन चाहते नहीं है। ये नीचे वाला पोर्शन जो है जैसे इस तरीके से आ रहा है, तो ऐसे रेंडमली होना चाहिए, ऐसे नहीं कि स्ट्रेट लाइन में छूट रहा है, इस तरीके से आना चाहिए। ओके और फिर जो बीच वाला पोर्शन है उसे हल्के हल्के ऐसे हेयर से पेंसिल, देखो अभी यहां पकड़ा था मैं, अब ये और पीछे पकड़ ली, क्यों, ताकि हेयर जो है वो लाइट डालू स्ट्रोक्स में। फिर सेम इस वाले पोर्शन में, लेकिन यहाँ पे क्या है, इस तरीके से बाहर की तरफ भी कर्व आ रहा है। हल्के हल्के बीच में डाले फिर स्ट्रोक्स, और ये डार्क वाले अपने आ गए, ठीक है। तो धीरे धीरे कर्व कर सकते हैं ना, ये वाला जो हेयर वाला स्ट्रैंड वाला आता है वो भी करना है अपन को। उसके लिए क्या करो, इसे घुमा लो, ये वाला जो पोर्शन है इसे कर्व करते हो, तुम्हें क्या करना, पूरा ऐसे नीचे की तरफ एक सिंगल में ले जा सकते हो, फिर धीरे धीरे ले जा सकते हो। पहले क्या करो, ये ऊपर वाले हिस्से में से कर्व लगा लो ऊपर की तरफ आते हुए, फिर इन्हीं को ऐसे, ऐसा नहीं कि यहां से कंटिन्यूएशन ले जाना, थोड़ा ऊपर से कंटिन्यूएशन ले जाके ऐसे नीचे नीचे कर्व कर दो। ठीक है ऐसे में क्या कर सकते हो, हल्के हल्के थोड़े से बाल ऐसे बिखरा से भी दिए, क्योंकि वो एकदम परफेक्टली नहीं आ रहे, थोड़े यहाँ यहाँ कर्व के आसपास ऐसे कर्व हो गए, तो हल्के हल्के बिखरे से भी आ गए बाल। देखो जैसे अब ये लाइन बन जाती है मान लो, तो इसे टैकल करना क्या कर सकते हो, यहाँ इनके सेंटर से मतलब जैसे लाइन है उसके थोड़े नीचे से ऊपर की तरफ से स्ट्रोक्स लगाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अब वो डार्क टू लाइट होने चाहिए तुम्हारे स्ट्रोक्स, तो उससे क्या होता है, तो तुम्हारी ये डार्क पोर्शन है और जो बीच में लाइट पोर्शन है उसके बीच में एक मीडियम बन जाता है, तो उससे क्या रहता है, आराम से ब्लेंडिंग में तो परेशानी नहीं आती है। तो ये धीरे धीरे ऊपर ऊपर की तरफ लगा दो स्ट्रोक्स और ये अपना हो गया, बस था ये ऊपर वाला पोर्शन। तो ये भी सिमिलर ही होगा कि जो बन ऊपर बन वाला पोर्शन है इसे पीछे कर्व करते जाओ, लेफ्ट साइड वाले इधर जाएंगे,
पूरे पूरे, और ये राइट साइड वाला जो नीचे है ये इधर कर्व आएगा ऐसे। इसे भी सेम तरीके से कर्व करना है अपन ने जैसे इसको किया, थोड़ा ऐसे उठा उठा के कर्व। ठीक है, इस तरीके से उठा उठा के। ये भी पीछे की तरफ ले जाने का, और ठीक है सेम चीज यहां पे करनी है कर्व करते करते। मुझे वो नहीं समझ आया बंद कैसे करते हैं।